शुड आई टेल यू सम टेक्निक्स टू स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर? कुछ टेक्निक्स बताऊँ मैं आपको? यानी सबको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होना नॉर्मल होता है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ऐसी टेक्निक्स यूज़ करना जिसकी वजह से आप और ज़्यादा अलर्ट हो, ठीक है? ना कि फ़ोन यूज़ करना जिसमें आप खो जाए और आपको पता ही ना रहे कि सामने वाले बोल क्या रहे और हम कर क्या रहे, ठीक है? दैट इज़ नॉट द राइट वे टू कूप विद द स्ट्रेस. वी हैव टू फ्रीज, ठीक है? वी हैव टू बी द एम्बेसडर्स. सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी प्रायोरिटी हम अपने मेंटल हेल्थ को बनाएंगे. एंड द डे ये स्टिग्मास, ये टैबूज आपको खुद से दूर करने हैं, ठीक है? यू फील एजिटेटेड, यू फील अनॉइड, टॉक टू द रिलेवेंट पर्सन इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू समवन. मतलब जैसे पीयर्स में होता है या फिर मतलब जिस एज में आप लोग हैं. हम जी, मेरा नाम इखलास अहमद शेरी है. मैं डिग्री कॉलेज कोकरला में पढ़ता हूँ. यहाँ पर आज एक सेमिनार मुनक्कद किया गया है जिसमें कि फौज, पुलिस और यहाँ पर सिविल इंतज़ाम है जो कि SDM साहब, वो भी मौजूद थे. तो यहाँ पर एक यही मैसेज दी गई है हमारे यूथ को कि वो जो ड्रग्स वो छोड़े और अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें. और जो हमारे समाज जो अब इस खराबियों के अंदर मुबतला हो रहा है दिन ब दिन, तो हमें एक हेल्दी वेल्थी सोसाइटी को हमें तामीर करना है और इस सब चीज़ को हमें मुकम्मल तौर से बंद करना है और अपने समाज को एक बेहतर जो दिशा है, एक डायरेक्शन है, उसकी तरफ हमें लेके जाना है. जो बच्चे ड्रग्स करते हैं, क्या वजह होती है वो ड्रग्स करते हैं? कि यूजुअली ये होता है कि फैमिलीज़ में कहीं पर डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो उन परेशानियों का इजाला वो इन चीज़ों से ढूंढते हैं, या फिर कोई गलत संगत का भी असर होता है जिसमें कि ये इन चीज़ों में मुबतला होते हैं. तो उनके लिए यही है कि वो मॉरली भी और सोशली इन चीज़ों को पहचाने, देखे कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा, तो वो उस चीज़ को अपनाए अपनी ज़िंदगी में और इन सब चीज़ों से दूर रहें. ये हर एक बच्चा जो होता है, हर एक नौजवान जो होता है, वो कौम का मेहमान होता है, तो उसका एक अहम रोल होता है उस सोसाइटी में. जो ही एक बच्चा है या जो ही एक नौजवान इस चीज़ में मुबतला होता है, तो धीरे धीरे करके उस समाज के सारे जो नौजवान होते हैं वो उस चीज़ की तरफ रागिब होते हैं. तो हमें ये चाहिए कि हम उन नौजवानों को एक अच्छी डायरेक्शन दें जिसकी वजह से हमारा जो पूरा समाज है उस चीज़ से दूर रहे. ऐसे प्रोग्रामों से कुछ असर होता है? जी बिल्कुल, एक मैसेज कन्वे होती है जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, फेलो स्टूडेंट्स भी और जो यहाँ पर आसपास के लोग भी होते हैं, तो उनमें भी एक मैसेज कन्वे होती है कि इस तरीके की चीज़ें हमारे समाज में जो बढ़ रही हैं, तो उनको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी हमें मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, और सिविल इंतजाम से भी हम किस तरीके से ताउन करके उन चीज़ों का अजाला कर सकते हैं. लोगों के लिए कोई मैसेज जो इस ड्रग्स में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए मैसेज है, उनके घर परिवार के लिए मैसेज है कि उनका आप एक ख्याल करें, उनको इस चीज़ से निकालने की कोशिश करें और उनको जिस तरीके से जो हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल है या उस तरीके के जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हमारे पास होते हैं, तो उनमें उनको भेजा जाए ताकि वो इस चीज़ से बाहर आए और अपनी नॉर्मल लाइफ को बसर कर सकें. हाँ, मेरा नाम उमेश बशीर है, GDC कोकरला का स्टूडेंट हूँ. और यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ, जो 19 RR इन कोलैबोरेशन विद GDC कोकरला ने ऑर्गेनाइज किया था, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा. पहले हमने मतलब रेस में पार्टिसिपेट किया जो कि हांगलगुन कोकरला से लेकर GDC कोकरला ग्राउंड तक थी, और उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया. बहुत अच्छा रहा वो इवेंट भी. इसके बाद हम ये हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है, अभी जो सेमिनार चल रहा है, वो सेमिनार भी बहुत बढ़िया जा रहा है. बहुत अच्छे स्पीकर्स मिल रहे हैं हमें, जो हमें इस ड्रग डी एडिक्शन के बारे में बोल रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि ये ड्रग एडिक्शन क्या है, इससे हमें पीछे कैसे रहना है, और इससे हमें औरों को भी एक साथ मिलकर, बाकी जो हमारे बंदे हैं जो इसमें एडिक्ट हुए हैं, जो इसके यूज़र्स हैं, उनको हमें कैसे पीछे रखना है, तो इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें मिल रही है. और हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही गर्व का मौका है. जैसे कि ड्रग एडिक्शन की बात की जा रही है कि हर कोई ड्रग्स में मुबतला है, उन लोगों के लिए कोई मैसेज आपकी कि इसको छोड़कर दुनिया बहुत बड़ी है? जी हाँ बिल्कुल, जो इस बंदे इसमें मुबतला है, जो भी इसके शिकार हुए हैं, उनके लिए मेरी ये बहुत बड़ी मैसेज है कि इस ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम का एक पार्ट बनिए. इस ड्रग्स को छोड़ दीजिए. ड्रग्स के अलावा ज़िंदगी बहुत सारी है. जो ये ड्रग्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम है, इनकी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा है. इस टाइम में ये इसके अलावा भी बाकी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सपोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है. हाँ, मैं मानता हूँ कि कश्मीर में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लास्ट में ड्रग्स की तरफ जाते हैं जब उनको कोई सहारा नहीं मिलता, लेकिन ऐसे बंदे भी बहुत सारे हैं जो उनको एक पार्टनर की मतलब पार्टनर फ्रेंड की तरह उसको मतलब इस एडिक्शन में मतलब ड्रग्स से रोक सकते हैं, उनके साथ सपोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं,
और जो कि कॉलेज इवेंट्स होते हैं इनका तो मतलब कहना ही नहीं है, बहुत अच्छा रहता है। उनके लिए मैसेज है कि इससे पीछे आके इसके अलावा ज़िंदगी और भी बहुत सारी है। जी हाँ, बहुत सारी, जैसा आपने बोला, बहुत सारी उम्मीदें लगाई होती है माँ बाप ने अपने मतलब इन बच्चों पर, बहुत सारी उम्मीदें होती है। माँ बाप चाहते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा रहे, ये बच्चा जो मेरा है इसका सेहत सही रहे, ये मतलब एकेडमिक्स में एक्सेल करे, इसके अलावा चाहते हैं कि ये खेल कूद में भी अच्छा करे, और ये भी चाहते हैं कि लास्ट में मतलब जब वो बुढ़ापे में पहुँचे तो उनका एक सहारा बने, मतलब ये जो बेटा है या बेटी है उनकी, ये उनका एक सहारा बने। लेकिन जब ये बंदा इस ड्रग्स के मसले में फंसता है तो फिर वो मतलब इस काबिल नहीं रहता कि माँ बाप की उम्मीदों पर इवेंट किया है। पहले रन फॉर फन रेस थी, वहाँ से हंगलों से लेके यहाँ पर जी डिस्को करनाल तक, इसमें भी हमने हिस्सा लिया। बहुत ही अच्छा था प्रोग्राम, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और उसके बाद यहाँ पर सेमिनार हुआ, उसमें ड्रग के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी बच्चों को कि ड्रग से कैसे आप हट सकते हो। तो ड्रग के सिवा भी बहुत कुछ है दुनिया में जो आप कर सकते हो, सिर्फ ड्रग ही नहीं है, तो इसकी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी। ऐसे प्रोग्राम्स आगे होने चाहिए और इनसे क्या फ़ायदा मिलती है? जी होने चाहिए, इससे जो नई जनरेशन इसको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा। लोगों के लिए कोई मैसेज, ड्रग्स जो करते हैं उनके लिए कोई मैसेज? मैं यही कहूँगा कि ड्रग्स से पीछे हटने, ड्रग में कुछ नहीं, मनी भी वेस्ट होता है, पैसा भी, टाइम भी वेस्ट होता है, तो ड्रग मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। जिसको ड्रग की आदत है वो भी धीरे धीरे इसको छोड़ सकते हैं। फर्स्टली आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय एग्जाल्टेशन टू ऑलमाइटी अल्लाह फॉर मेकिंग टुडेज इवेंट ए रिवरबरेटिंग सक्सेस। Now, first and foremost, I would like to extend my deepest sincere thanks in absentia to Colonel Manpreet Singh Ji, Sena Medal, Commanding Officer 19RR, for organizing this most desired event. It is really a great initiative and could be productive and beneficial to young generation, especially college going boys and girls, and prevent them from compulsive drug seeking and drug taking behavior, and can overcome uncertainties of future challenges in shaping their career. Hope such event shall continue in near future in collaboration with Indian Army, that is 19 or